हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू टेक वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं ये चीजें आप अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने क्लास में हर जगह इन वर्ड्स का आप यूज करते हैं एंड बट बिकॉज लेकिन इन्हें क्या कहते हैं दे आर नोन एज कंजंक्शंस नाउ वट इज कंजंक्शन कन मीन्स टूगेदर एंड जंक्शन मीन्स ज्वाइन कंजंक्शन कोई ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड को आपस में ज्वाइन करता है दट इज नोन एज कंजंक्शन सी वर्ड्स लाइक एंड

इन तीनों की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है हर जगह आप इन तीनों कंजंक्शंस को यूज नहीं कर सकते हैं जहां पर एंड लगेगा वहां पर सिर्फ एंड ही लगेगा और बट और बिकॉज भी इसी तरह से आप यूज करते हैं दे जॉइन द वर्ड्स जस्ट एज सिंग एंड डांस एंड किसी भी सेंटेंस या वर्ड्स को आगे बढ़ाता है सिंग एंड डांस रीड एंड राइट ईट एंड लेकिन जब दो वर्ड में या दो सेंटेंसेस में हमें कंट्रास्ट एक विरोध की स्थिति पैदा होती है लेकिन वर्ड हम यूज करते हैं एंड देन वी यूज बट जब हमें कॉज बताना होता है रीजन बताना होता है किसी चीज का तब हम क्योंकि लगाते हैं दैट इज बिकॉज नाउ सी वी मेक सम सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस कंजंक्शंस एंड बट बिकॉज हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और इन तीनों कंजंक्शन का हम यूज करेंगे अमिता कुड नॉट गो टू स्कूल शी वॉज इल नाउ सी दीज आर टू सेपरेट सेंटेंसेस अलग अलग सेंटेंसेस हैं हम इन्हें कैसे ज्वाइन करेंगे अमिता कुड नॉट गो टू स्कूल because she was ill now in the first sentence we use the conjunction because it shows the reason because bata ki wo school nahi because she was ill now in the sentence number two raman tried to climb the hill one sentence he could not reach the top now

He could not reach the top. Now, in sentence number three, Zeba is sad. She has lost her pencil box. Zeba is sad. Why? Why is Zeba sad? Because she has lost her pencil box. Because, in sentence number three, we use the conjunction because Zeba is sad. बिकॉज शी हैज लॉस्ड पेंसिल बॉक्स एक रीजन है एक कॉज है वो सैड है क्योंकि यहां पर हम एंड नहीं लगा सकते बट नहीं लगा सकते द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन इज बिकॉज इन सेंटेंस नंबर फोर द गाड वेवड हिज ग्रीन फ्लैग द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ दो अलग अलग सेंटेंसेज है इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे The guard waved his green flag, and the train steamed off. And, and is a word jo sentence ko aage badhata hai And. isme you cannot use but, you cannot use because. जहाँ पर and use होता है, वहाँ पर सिर्फ and use होगा, वहाँ पर आप but और because use नहीं कर सकते हैं. The boys played very well first sentence they did not win the match it's very clear it's very easy the boys played very well they did not win the match match jeet nahi sake apne aap hi a sentence me but but they could not win the match it shows the contrast

इस सेंटेंस में यू कैन नॉट यूज बट बट नहीं लगा सकते हैं द पुलिस मैन रेज हिज हैंड बट द ट्रैफिक नो इट इज रॉन्ग क्योंकि कंट्रास्ट है ये और इस सेंटेंस में आगे बढ़ रही है बात देर फॉर द कंजंक्शन विच विल बी यूज विल बी एंड एंड कंजंक्शन का यहां पर यूज करेंगे नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज रानी प्लेड हॉकी शी वन द मैच वेरी सिंपल वेरी इजी रानी ने हॉकी खेला मैच जीत गई एंड शी वन द मैच एंड शी वन द मैच रानी प्लेड हॉकी एंड शी वन द मैच अगर इस सेंटेंस में शी वन द मैच की जगह शी लॉस्ट द मैच होता तब आप क्या लगाते बट बिकॉज देन इट वॉज अ कंट्रास्ट रानी ने हॉकी खेला बट शी लॉस द मैच बट बिकॉज शी वन द मैच है तो रानी प्लेट हॉकी इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है डेयर फॉर द कंजंक्शन विच विल बी यूज विल बी एंड रानी प्लेड हॉकी एंड शी वन द मैच नाव आई होप यू वुड है अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एंड बट एंड बिकॉज कहां पर यूज होते हैं एंड मीन्स और किसी भी वर्ड को किसी वर्ड ग्रुप को या किसी भी सेंटेंस को जब आगे बढ़ाते हैं तो वी यूज एंड और जब दो चीजों में कंट्रास्ट होता है विरोध होता है तब हम यूज करते हैं बट और जब रीजन किसी चीज का कॉज बताना होता है वी यूज द वर्ड बिकॉज so you have seen that we use and but and because now children a very interesting thing you have seen ki humne ek sentence mein hi ek conjunction ka use kiya do you know that कि एक sentence में हम तीनों conjunction का भी एक साथ use कर सकते हैं how अब आप देखिए उसको कैसे use कर सकते हैं see ये sentence जो आपने देखा अमिता कुड नॉट गो टू स्कूल इसमें आपने क्या लगाया था बिकॉज शी वॉज इल अब इसी सेंटेंस में एंड और बट हम कैसे लगाएंगे देखिए सी अमिता कुड नॉट गो टू स्कूल कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल ये तो आपने पहले भी किया था शी वॉज इल बट अब देखिए कैसे लगाएंगे बट शी स्टडीड स्टडीड एट होम एंड पाज एंड पाज इन द एग्जाम वेरी सिंपल बहुत अच्छा सेंटेंस बन गया एक ही सेंटेंस में यू कैन यूज ऑल द थ्री कंजंक्शन अमिता कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल बट शी स्टडीड एट होम एंड पासड इन द एग्जाम अमिता स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि वो बीमार थी बट शी स्टडीड एट होम लेकिन उसने घर में पढ़ाई की एंड पास इन द एग्जाम और एग्जाम में पास हो गए सिंगल सेंटेंस यू हैव यूजक्शन लेकिन जो कंजंक्शन जहां पर यूज होता है जो उसकी प्लेस होती है उसके अलावा आप दूसरा कंजंक्शन वहां पर नहीं लगा सकते हैं ना यू सी इन द सेम वे मे वी मेक द अदर सेंटेंस ऑल्सो रामन ट्राइड टू क्लाइम द हिल ही कड नॉट रीच द टॉक ना इसमें पहले आपने बट लगाया था रामन ट्राइड टू क्लाइम द हिल बट ही कुड नॉट रीच द टॉप नाव यू सी और बाकी दो वर्ड्स दीज टू कंजंक्शन एंड और बिकॉज को इंसर्ट करके कैसे सेंटेंस बनेगा रामन

ज लेग सी बट बिकॉज एंड ऑल द थ्री कंजंक्शन है सिंगल सेंटेंस तो एक सेंटेंस में अप्रोप्रिएटली जहां पर जो कंजंक्शन यूज हो रहा है सेंटेंस दे रहा है उसी कंजंक्शन को हम लगाते हैं नाउ चिल्ड्रेन आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप लोग वाइल टॉकिंग टू ईच अदर खेल खेल में बात करते समय कुछ भी डिस्कस करते समय इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं एंड बट बिकॉज का बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं एंड नेक्स्ट टाइम हम आप लोगों के साथ में एक्सरसाइजेस भी करेंगे कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप लिख करके पूछ सकते हैं राइट टू आस और हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे